मेरा ये पूरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था। नॉट बैड नॉट बैड। भाई साहब ये होटल कम है, ये पूरा मॉल बना हुआ है, यहाँ दुकानें ही दुकानें हैं और रेस्टोरेंट्स भी हैं, फूड कोर्ट भी है, कहने को अटलांटिस होटल है ये। आ जाओ गाइस, आ जाओ, लेट्स गो। होटल टूर अब हम कंटिन्यू करेंगे, बट ये भी तो होटल टूर हुआ है यार। स्विमिंग पूल भी तो होटल टूर है। यस यस यस, हम स्विमिंग पूल दिखाएंगे आपको और इस हमारे होटल का प्राइवेट बीच, तो हमारा पर्सनल बीच है गाइस, हम वहां पर जा रहे हैं थोड़ी देर पहले, बीच पे एंजॉय करेंगे और फिर स्विमिंग पूल और फिर उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे टूर। चलो तो गाइस यार हमारी टीम पूरा स्विमिंग के मूड में आ चुकी है, स्विमिंग मोड में। हाँ भाई सेट, ऑल सेट, सुनाया ऑल सेट। तो बीच की तैयारी है गाइस, पूल पार्टी, बीच पार्टी, सब शुरू। गाइस यार स्विमिंग पूल और बीच की एंट्री भी एक्वेरियम से ही जाती है। सियान मजा आ रहा है? आए आए मजे। ओके तो ये है बीच साइड की एंट्री स्विमिंग पूल से होते हुए। मम्मी ये यूनिकॉर्न मेरा बाथरूम कह रहे थे हम लोग जो वहां पे था। ले लिया लेना कुछ? हां ऐसा ही आते स्लीपर। क्या बात कर रहे रे बा, नाना सी हाथों चलना है। गाइस यार ये हमारा प्राइवेट पर्सनल बीच है और ये सनसेट पे एंट्री बैन कर देते थे, तो सनसेट से पहले पहले हमें बीच एंजॉय करना है। और ये आ जाओ भैया, मैंने भी तो चप्पल पहनी है, ठीक है गाइस। तो ये शानदार, और ये हम यहाँ से देखो भाई साहब, ये है हमारा होटल जबरदस्त। गाइज ये देखो, ये ना आर्टिफिशियल बीच है क्योंकि यहाँ पर आप देखो कोई वेव्स नहीं है, ये अटलांटिस होटल ने आर्टिफिशियल बनाया है। और वो देखो वो बंदा क्या कर रहा है, ओ वाओ क्या जबरदस्त है यार। तो यहाँ पे ये हमारे पानी है और यहाँ पर ये अपना ट्रेन चल रही है, बुलेट ट्रेन कहते हैं, बुलेट ट्रेन है, स्पीड तो कम है इसकी लेकिन। तो हमारी मैडम आ गई हैं, हाँ जी पानी के अंदर, बीच टाइम, समुंदर में नहा के। गाइस ये नकली समुंदर है, ये असली समुंदर ही नहीं है, तुम्हें पता है ये नकली समुंदर है क्योंकि यहाँ पे आपको वेव्स भी नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ इन्होंने क्रिएट किया हुआ है ताकि ये कह सके हमारे पास भी समुंदर है। ओके सब पानी में घुस चुके हैं और मैं भी घुस चुका हूँ, और इधर और आ रहे हैं बच्चे। कैसे यार यहाँ पर अभी स्विमिंग हम प्रॉपर नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्विमिंग हम पूल में करेंगे, अभी यहाँ सिर्फ हम मजे कर रहे हैं। आए हाय मजे, ये आ गई है स्विमिंग करके आई, देखो कैसी स्विमिंग आती है, करके दिखा करके दिखा, आजा आजा आजा, वाह ओहो भाई स्विमर निकली लड़की यार, शाबाश बेटा बहुत बड़ी क्या बात है, आजा तू भी आजा, आजा आजा आजा। जो रो रहा छोटा बच्चा, नुन्ना बच्चा, नुन्ना मुन्ना, क्रैब्स यहाँ हो ही नहीं सकते, दिस इज नॉट ए नेचुरल ओशियन, दिस इज आर्टिफिशियल, क्रैब्स नहीं हो सकते। यहाँ पे सिर्फ छोटे वाले स्नेक्स पॉसिबल है जो कि हमने आपको एक्वेरियम वाले ब्लॉग में दिखाया, वो वहाँ से यहाँ आ जाए तो अलग बात है, और वो लेकिन इतने इतने से हैं। हाँ वो उससे डर मत, जैसे पेंडिंग साथ है ना उतने साइजेस के हैं। गाइस यार अभी देखो पूरा दिन चढ़ा हुआ है यहाँ पर और इन्होंने हमें बाहर निकाल दिया, कह रहे हैं बीच में अभी इसमें आपको इससे बाहर आना पड़ेगा, हम नहीं तेरे पे नहीं हमको बुला रहा हूँ, और अब हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है। सारी ये खातून को भी बाहर निकाल दिया है, ये बेचारी बहुत परेशान हो रही है। भगवान
इतनी खुश होके कर रही है। ये सबको इनको भी बाहर निकाल दिया, देखो कितने गुस्से में बाहर निकली है ये। चलो कोई बात नहीं, हम इनको भी लेके जाएंगे अपने साथ स्विमिंग पूल में। चले फिर स्विमिंग पूल में, वहाँ पर एक झूला है, पहले मैं आपको झूला झुलाता हूँ। आओ ये देखो गाइस क्या जबरदस्त व्यू है यहाँ से, ऐसे है यहाँ पर। ये हमारा पीछे होटल, ये सारा होटल, यहाँ पर हम झूले झूल रहे हैं। और ये देखो यहाँ से ये पूरा बीच, ओके क्या जबरदस्त व्यू है, वाव क्या बात है, मजा आ गया। वो देखो आपस में लड़ाइयाँ शुरू इनकी। लो गाइस हमने कहा हम भी थोड़े से बच्चे बन जाएं और झूला झूले, गाना भी नहीं गा सकते, आया सावन झूम के। तो गाइस अब हम यहाँ पे आ गए हैं स्विमिंग पूल पे स्विमिंग करने, यहाँ पे काफी रश लग रहा है। पूरी पूरी फैमिलीज यहाँ पर आई हुई हैं, ये रहे हमारे बच्चे। गाइस गाइस यहाँ पे थोड़ी सी मिस हैपनिंग हो गई है, ये रवनीक जी थोड़ा सा फन ज्यादा कर रहे थे और वो जो डॉल्फिन है ना कहाँ गई, वो क्या हुआ था पापा को बताओ, पापा को क्या हुआ था? पलट गए और उनका एक्चुअली जो शोल्डर है वो अपने खुद अपने मुंह जुबानी बताएंगे क्या हो गया था जी। गाइस यार मैंने थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड हो गया था दुबई में आके, तो मेरा ये पूरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था, तो इसको वापस हम अपनी पोजीशन पे लेकर आए हैं। अभी एक पट्टी वट्टी करनी पड़ेगी और ये बर्फ का सेक हो रहा है, तो होपफुली सब ठीक हो जाएगा, नथिंग टू वरी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यस और इन्होंने ये खुद ही किया है, हम दोनों हम सब हैरान हो रहे थे कि ये कैसे कर रहे हैं। ये सारा अप्रिशिएट है पुनीत को, इसने पूरी हिम्मत करके सारा मौका संभाला है। हमें हेलो बोल दो, समझ ही नहीं आ रहा था। हेलो तो अभी सब ठीक है, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। गाइस यार बहुत बुरा हाल हो गया था, अभी भी ये पूरा देख रहे हो आप, हटाइयो पूरा लाल हो गया है बुरा हाल, मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था तो ये रोने लग गई थी, लेकिन अभी सब ठीक है, बेटर है थोड़ा। हमें अब प्रॉब्लम तो हो गई है, पट्टी बांध के रखनी पड़ेगी, लेकिन सब ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऑल इज़ वेल। गाइस यार हम पूल में अब नहीं जा सकते हैं, लेकिन बच्चे पूरा एंजॉय कर रहे हैं, हरप्रीत जी पूरा एंजॉय करा रहे हैं उन्हें। तो गाइस यार ये बच्चे अब नॉटी हो रहे हैं, भाई साहब बाहर आना है, अंदर ही रहना है, आ जाओ बाहर। आम बैंड चाहिए एक्स्ट्रा है अभी पर। तो अगर इसको ध्वनि को नहीं चाहिए तो ध्वनि के ले लें। करके दिखाओ, ओ वाओ स्विमर आई है भाई साहब, ओह नॉट बैड यार अनाना, नॉट बैड, नॉट बैड। नॉट बैड, 1 2 3 गो, ओके वाओ। चल कोई बात नहीं, ओके तो फाइनली काफी रोना धोना हुआ है और ये अब मान गई है पानी के अंदर जाने के लिए। देखो यार दुख सुख सबके साथ है, चोट लग गई है अब, लेकिन अब हम बाहर आए हैं, फॉरेन ट्रिप है तो एंजॉय तो करना ही है ना सबको। तो गाइस यार ये लोग निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं और अभी यहाँ पे रात होने वाली है और ये सब अपना मस्ती में लगे हैं।
आ जाओ। रुको जरा, सबर करो। कोई जवाब भी नहीं दे रहा। गाइस यार ये लोग नहीं निकल रहे हैं, 8 बज चुके हैं, 8 बजे यहाँ का डेडलाइन है। और ये बाहर आई है बस, और ये हमारे इधर सीनियर्स आ गए हैं, और अभी बच्चे पूल में गए नहीं। हाँ पूल में गए नहीं है। और मैंने बहुत स्विमिंग की, इन्होंने बहुत मजे करे। हाय हाय मजे हो रहे उधर। सबका सेशन हो चुका है और ये हमारे नन्हे मुन्ने नहीं आके राजी। अब इनकी हम कंप्लेंट कर रहे हैं तो शायद ये वापस आ जाए। ये देखो अब पूरा जब अंधेरा हो गया है, इन्होंने पूरी लाइटें बंद कर दी हैं, तब इनको थोड़ी सी आई है कि यार हम चले। तुम लोग ऐसे बाज नहीं आते जब तक पूरा अंधेरा ना हो, जब तक कोई धक्के ना दे तुम लोग जाते नहीं हो। ये किसी के स्लीपर है क्या? पता नहीं किसके है जी। यार ये है हमारे रूम का नाइट व्यू, नाइट विजन। वाह यार गाइस ये आग फायर है, ये जो सारा देख रहे हो ना, ये फायर चल रही है। और यहाँ पे देखो नीचे का, ये हमारे स्विमिंग पूल, ये सी, और यहाँ से पूरा सिटी का व्यू। वाओ ये हमारा होटल। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। ईटिंग बर्गर फॉर 24 आवर वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल आर एस स्टडी इंडियन फूडी पे। हमारे स्टाइल के बर्गर आपने आज तक नहीं खाए होंगे। वीडियो देखने के लिए क्लिक 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 क्लिक। बहुत यम्मी वीडियो है। क्लिक 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 क्लिक।